हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं और हम माँ बेटे दो ही रहे हैं वैसे, और मम्मी हैं, और हमारे पास आए हैं मेरे भाभी और भाई और भतीजा। वो अपनी मोबाइल में मस्त है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, दुकान वगैरह मंगल करके आए हैं, 10 बज चुके हैं। और हमने सोचा कि पहले हमने थोड़ी सी मैगी खा ली थी क्योंकि छोटी मोटी भूख लगी थी। तो अभी बस हम खाना खा रहे हैं और हमारे खाने का तरीका देख लो, क्योंकि अभी हमने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि सब्जी काकड़ी और फली की सुबह की बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो हमने वो ही दही वगैरह चूर के वही हम सारे इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। और लाइफ अब अकेले कैसे मैनेज करनी है, और हस्बैंड जी कहीं घूमने मैं नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी घर पर अकेली है और हिमांश भी हमारा छोटा है। तो हम जाएंगे सालासर और कसुम भी, वहाँ पे हम हिमांश को लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे जरूला उतरता है, तो वहाँ पे जाना होगा। तो थोड़ा सा मौसम सही हो जाए उसके बाद हम जाएंगे। तो इसके पापा का मन था तो इसलिए वो चले गए हैं। और बस अभी हम खाना शुरू करते हैं। तो ये देखो, तो आ जाइए आप भी, देसी ठाट लीजिए और खाइए। तो हम भी खा के आपसे, तो हमने खाना वगैरह खा लिया है। और इनके बाप बेटों का प्यार देखो, दिखाओ, देखो हाथ नहीं छुड़ा रहे। अब ये सो रहा है, फिर नींदों में है फिर भी कि हाथ ऐसे करो। सच्ची में माँ बाप ही होते हैं। ये रियलिटी है एक कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता दुनिया में। तो देखो, और हिमांश भी हमारा सो चुका है। तो बस सभी के माँ बापों का भगवान हमेशा खुश रखे। तो मिलते हैं आपको सुबह। अभी हम उठ चुके हैं और चाय पी रहे हैं। शॉप भैया ने खोल ली थी और अभी उसने झाड़ू वगैरह भी एक बार निकाल दिए, बाकी तो लड़का आके अपने आप कर लेगा। और लड़के पे जल्दी कहा है तो वो आ जाएगा। और अभी हम मतलब काफ़ी देर हुई थी उठे हुए को, और अभी चाय पी रहे हैं और भैया फ्रेश होने गए हैं। तो आज का रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। एकांश हमारा लीची मांग रहे है सुबह सुबह। एकांश इधर देखो, और रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, देखो इसकी गुस्सों का एक्टिंग देखो। इसको चाहिए लीची सुबह सुबह। देखो बच्चों की जिद कभी मत पूरी करो, माँ बाप जब जिद पूरी कर देना। देखो रोने की एक्टिंग देखो इसकी। एकांश एकांश, ये एकांश है और ये हमारा हिमांश है। हिमांश और अभी शॉप पे बैठे हैं। अरे ये कहाँ गया? अभी रवि आया नहीं है, उसका वेट कर रहे हैं, फिर ऊपर जाके काम वगैरह भी संभालना है। और वो पहुंच गए और गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं और बता रही हैं कि बहुत अच्छा नज़ारा है और अच्छा लग रहा है कि तू भी होती, बट चलो कभी और जाएंगे, हिमांश बड़ा हो जाएगा फिर जाएंगे हम। और हिमांश पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए हिमांश के? हिमांश के पापा तो बस वेट कर रहे हैं रवि का, फिर जाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो मिलते हैं आपसे। तो अभी नहा के आ चुके हैं और बच्चों को नहला दिया है। हिमांश तो सो चुका है और भतीजा मोबाइल देख रहा है और भाई भी सब नहा लिए हैं मतलब। और यहाँ पे मैंने राजमा और काली दाल उबालने के लिए रख दी है, तो आज राजमा और काली माँ की दाल बनाएंगे। दाल मखनी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है और अब बनाते हैं चाय। और आज बनाएंगे राजमा चावल और ये
दाल दाल मखनी चावल, तो राइस बनाऊंगी साथ में। तो यहाँ पे इसको बॉईल कर रही हूँ और साथ साथ में तैयारी कर लेते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं चाय बना के फिर दाल के साथ। तो हमने राजमा चावल बना लिए हैं, रेसिपी सॉरी मैं नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन आ गया था। तो ये हमारी तीनों की थाली और लस्सी बनाई है और ये हमारी राइस और यहाँ पे है दाल और भी ना हस्बैंड जी के हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज भी। तो अभी हम एंजॉय करेंगे राजमा मतलब मखनी और चावल और लस्सी भी है साथ में, तो एंजॉय करेंगे। और रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हिमांश गोद में है, रो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये अपना बाल बेटों का प्यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।